हेलो गाइस, तो आज हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसका एक वर्किंग रूल देखेंगे और इसके फॉर्मूलों के बारे में भी थोड़ी बहुत समझेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में फॉर्मूले यहाँ पर हमें किस कंडीशन पर अप्लाई करने हैं एक स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग रूल को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे इसका जो वर्किंग रूल है बेटा, फर्स्ट आप समझ लीजिए, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके बेटा, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ओके, अब आप समझ लीजिए, जब आपके पास ये है तो आप यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और है, तो जेड अंडर रूट आप लगा दीजिए बेटा, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए एक्स प्लस आई वाई। ओके, जब आप ये दो स्टेप होते हैं आपके पास, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो वो तो यही वाला फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपके क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पे कंसीडर कर लेना है इस चीज़ को। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, मैं जेड को क्या लिख सकता, अब आप यहाँ पे पहले तो स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर इन बोथ साइड। ओके, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ बेटा, फर्स्ट इसे इक्वेशन नंबर टू दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड में, किसके, इक्वेशन नंबर टू के। ओके, इक्वेशन नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे इन लिखना भूल गया, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर टू। ओके ना, सो वी गेट, तो हम बेटा यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब ये तो आपका जेड हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा जेड। जेड जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के आपका, एक सेकेंड बेटा, वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई आई, यही हो जाएगा बिल्कुल। तो आप जब इसे आगे सॉल्व आउट और करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का टू एक्स वाई आई। अब ये माइनस क्यों हो गया, आपको मैंने बताया था, सॉरी मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया बेटा, ठीक है, क्योंकि हमारा आई स्क्वायर बराबर माइनस के वन होता है ना, उसी की वजह से ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आपने इतना सॉल्व आउट कर लिया, अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है किस में। ओके, मैं यहाँ पे कंपेरिजन कर देता हूँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है बेटा। ओके, कंपेयरिंग इसे मैं इक्वेशन नंबर बेटा थर्ड मान लूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, कंपेयरिंग इन इक्वेशन थर्ड, ओके, इक्वेशन थर्ड रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग करेंगे बेटा हम, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ओके बेटा, रियल और इमेजिनरी नंबर के बीच में करेंगे ना बेटा, तो आप देखिए ये आपका रियल पार्ट हो गया, ठीक है, देखिए मैं ब्लैक से करता हूँ आगे। ओके, और ये आपका कैसा हो गया बेटा, इमेजिनरी नंबर हो गया, ये आपका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट। ओके, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, क्योंकि देखिए जेड बराबर हमारा क्या था बेटा, ए प्लस आई बी था, है ना, तो ये आपका कैसा था, इमेजिनरी, और ये था आपका रियल, तो रियल के लिए ये ए आ गया ए। ओके बेटा, तो इसे आप इक्वेशन नंबर कितनी मान लीजिए बेटा, फोर था। ओके, और आपका आई वी, सॉरी बेटा, टू एक्स वाई केवल आप लिखिए यहाँ पे। ओके, और इसके बराबर आप बी मान लीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा आपकी, फिफ्थ मान लीजिए इसे। ओके,
इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको आना है, यहाँ पे मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, देन आपका इतना होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। यानी कि वी हैव एक फॉर्मूला होता है आपका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके सॉरी प्लस होता है ये, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे इक्वल में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके देन सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन प्लस के आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे 4x² एंड वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर क्या निकाला, ए। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है बेटा, ए कर देना है। ओके, तो ए का आपका स्क्वायर हो गया, चलिए एक सेकेंड, ए का स्क्वायर प्लस, ओके ये भी आपकी 2 की पावर है, तो यानी कि 2xy बराबर हमारा कितना निकला, बी। तो आपका बी का भी स्क्वायर हो गया। ओके, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसे सिंपली कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये आपका किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये किसी के नहीं, तो आपका ये है बेटा एक्चुअल में, ओके वाई स्क्वायर का आपका यहाँ पे अंडर रूट पहुँच गया इसका। ओके, तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओके, देन आपका बेटा देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एक्चुअल में है कुछ नहीं, एक मॉडुलस है जेड, है ना मॉडुलस। तो आपका ये स्टेप पूरा हुआ। अब आपको इस स्टेप के बाद में क्या करना है, इस स्टेप को आप इक्वेशन नंबर लिख दीजिए कितनी होगी, 5th, और इसे आप लिख दीजिए 6। ओके ओके, तो अब इसके आगे आपको कैसे बेटा काम करना है ना, ये बताता हूँ आपको मैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्विंग सॉल्विंग इक्वेशन, देखिए बेटा 4th इक्वेशन, देन आपको यहाँ पे 4th इक्वेशन ले लेनी है, एंड एंड आपकी 6th इक्वेशन, ओके बेटा एंड आपकी 6th इक्वेशन। सो वी गेट, देखिए इस सॉल्विंग का मतलब सिंपल सा है, आपकी बुक में नहीं दे रखा होगा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ज़्यादातर बच्चे यहीं पे डिफीट खाते हैं। ओके, तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, आप सबसे पहले इस चीज़ को एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल में आपका ए है। ओके बेटा, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, 4th वाली इक्वेशन है ये। ओके, देन ये आपकी 1st इक्वेशन हो गई, एंड 6th वाली इक्वेशन आप ले लें, तो आप सिर्फ मॉडुलस ना लें, मॉडुलस के आपको ये चीज़ उठा लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस है ये बेटा, ठीक है प्लस का है, और इक्वल में आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देन आपको ये भी लिख सकते हो आप इसे अंडर सॉरी मॉडुलस ऑफ जेड भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, देन आपकी ये होगी 2nd इक्वेशन। नाउ वी हैव अ 6th इक्वेशन। ओके, देन बेटा मैं इसको रफ कर दूं, है ना, ठीक है चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, 1 सेकेंड। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन बेटा हमने यहाँ तक किया, अब हमको इसका करना क्या है एक्चुअल में, ये चीज़ हम इसका प्रोसेस समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों में प्लस करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फॉर एक्स, ठीक है। एक्स के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर है, और वो क्या है आपका, प्लस करना है मेरे को, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल में बेटा मेरा क्या है, ए, ठीक है। और आपका मैं यहाँ पे प्लस में मॉड्यूलस ऑफ जेड कर देता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ मैं इतनी को। अब जब हम इस कुछ चीज़ को आगे की तरफ सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, अब देखिए यहाँ पे एक्स है आपका और ये प्लस प्लस का है, तो ये माइनस माइनस का है, तो बेटा ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, बाई वाला टर्म कैंसिल हो गया ना,
तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपका ये क्या बचा बेटा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल में बेटा क्या हो जाएगा ये आपका ए प्लस मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, तो आप इसे आगे कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर फिर आप इसे लिख सकते हो ए प्लस में आपका जेड अपॉन में आपका टू, है ना। आप चाहे तो इसे आगे इस तरीके से भी लिख सकते हो और वन अपॉन टू, ठीक है, और आपका यहाँ पे ए प्लस मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और आप चाहे तो इतना ही लिखा रहने दें, और चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल कर दीजिए आप, ठीक है, और आपका वन अपॉन टू, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप लिख लें मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, ओके बेटा, एंड प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा फिर ओके ए, ठीक है बेटा, ए ए यहाँ पे है कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या है, ए यहाँ पे आर ई रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ए को हमेशा याद रखें, ये क्या है बेटा आपका रियल नंबर है, ओके। देन आप यहाँ तक इस चीज़ को लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल आई बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, ओके। देन वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ पे फॉर वाई, ओके बेटा, तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, फिफ्थ इक्वेशन आप सॉरी सिक्स इक्वेशन आपकी क्या है, ये वाली है, तो आपको यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठा लेनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल में बेटा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल में आपका है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड। देन आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है टोटल, अब इसको उस साइड में ले जाना है, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, देन वन अपॉन टू, ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर, ओके बेटा, देन सॉरी यहाँ पे फिर आपका माइनस का हो जाएगा ये, ओके, मैंने सॉल्व आउट नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है, यही चीज़ हो जाएगी, ओके। देन यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, अब यहाँ तक तो आपकी चीज़ निकला है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले को पुटअप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, वो दो कंडीशन की वजह से ही अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन एक फार्मूला सिर्फ एक बार में ही यूज़ किया जाता है आपके स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए। तो चलिए उस फार्मूले को बताता हूँ उस साइड में, ठीक है, उसे आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसे रफ करता हूँ मैं, ओके, पूरा बोर्ड ही रफ कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले को आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर इफ अगर हमारा आई एम यानी कि इमेजिनरी नंबर और मॉडुलस ऑफ जेड इजकल टू आपका आता है जीरो के बराबर, देन मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, यानी कि आपका जो मैंने बाई निकाला था ना बाई टर्म, ठीक है, यानी कि जो बाई टर्म था अगर वो आपका प्लस में आता है, यानी कि आपका जीरो से बड़ा आता है वो हमेशा, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन टू, ओके, देन आपका यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, देन आपका प्लस में ए, यही था आपका था ना, यही गुड, देन ये आपका वन, ओके। तो आप यहाँ पे इस पूरी पे अंडर रूट लगा दें, अब लगा दिया, देन आपको यहाँ पे प्लस कर देना बेटा, इसी प्रकार आपका ये निकला था वन अपॉइंट टू, ओके, देन आपका मॉडुलस ऑफ जेड, ओके, देन प्लस का आपका ए ए, ठीक है ना, देन आपका ये भी वन, ओके, देन आपका इसे अंडर रूट कर दे पूरा, ठीक है। लेकिन आप अंडर रूट तो कर रहे हो, उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आई लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, क्या लगा देना है बेटा, आई, तो आपका यहाँ पे आई, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, देन आई आपका लग गया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, ओके। अगर आपका यहाँ पे मैं आप सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखूँ बेटा, कि जो इमेजिनरी नंबर है आपका, ठीक है, जेड, और वो अगर लेस देन में आपका जीरो आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव, ओके, देन नेगेटिव, तो आपका बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ओके, तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिसे मैं एक्स मान लूँ वैसे मैं वाई मान लूँ, ओके, देन एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये, ओके, एक्स माइनस वाई यानी कि ये वाली वैल्यू पुटअप हो जाएंगी, तो आपका माइनस हो जाता है इस कंडीशन में, और इस ये वाली कंडीशन हो ग्रेटर देन की, तो उसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है, देन आपका इसका रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं,
इसी के दौरान, जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट और भी इजीली समझ में आ जाए। लेकिन बुक में इसका अच्छे से सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, सच बताऊं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को टोटल देखिए, ठीक है, आपकी जल्दी और समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा कि आपसे बोला था, फर्स्ट स्टेप में आपका एक कंसिडर करना होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सब कुछ लिखना। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखें बेटा कंसिडर, कंसिडर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम वहाँ पे मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें गिविन है। ओके बेटा, गिविन गिविन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, 3 + 4i। ओके, ये हमें गिविन है जेड बराबर। देन हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसमें हमें यहाँ पे लिख देना है बेटा जेड, अंडर रूट की पावर होती है, तो आपको यहाँ पे 3 + 4i। ओके, ये सेकंड स्टेप है जो कि आपको मैंने बताया था, लिख सकता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल। देन मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ x + i y को। हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर, अब मैं इसे फर्स्ट मानूँ, पहले इसे मैं, चलिए मैं इसी को मानता हूँ, वरना आप कन्फ्यूजन में चले जाओगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ओके, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ओके, सो वी गेट, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा बेटा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4i हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका x² + k। आपको मैं डायरेक्ट कर दूँ बेटा, तो ये आपका ये -k y² देन प्लस के आपका 2xyi हो जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको लिखना है इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, बात एक ही है, इक्वेटिंग। ओके, इक्वेटिंग यहाँ पे आप लिख दीजिए थर्ड। ओके, थर्ड इक्वेशन, इक्वेटिंग इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन नंबर, कौन सी है बेटा, थर्ड इक्वेशन। ओके, देन आपको कैसे करना है फिर बेटा, यहाँ पे इक्वेटिंग करना है, तो मैं ब्लैक से कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, सो वी गेट ओके, यहाँ पे आपको करना है x² - k आपका y² इक्वल में बेटा आपका क्या है 3। ओके, देन 3, सो दिस इज आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई है बेटा, आपकी फोर्थ इक्वेशन। देन आपकी फोर्थ इक्वेशन में क्या आएगा बेटा, 2xy है आपका। ओके, देन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ओके बेटा, तो आपकी ये कौन सी होगी इक्वेशन, फिफ्थ। बेटा जब हमारा यहाँ तक हो गया ये, ठीक है, तो इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, एक फॉर्मूले को लेना होता है। ठीक है, ओके, देन हमारा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे वी हैव ओके, देन यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को लोगे तो यहाँ पे होता है आपका x² एंड पाई का स्क्वायर एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, देन आपका x² - y² का आपका होल स्क्वायर एंड प्लस के 4x² एंड y². ओके बेटा, अब इसमें आपको पुटअप कर देनी है ये सारी वैल्यू। ठीक है, देन आपका ये क्या हो गया बेटा 3। ओके, तो 3 का स्क्वायर + 4, यानी कि आप यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, देन आपका यहाँ पे जब इसे सॉल्व आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका, आपका 9 + ये आपका कितना हो गया बेटा 16,
देन आपका ये हो गया 25। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर यानी कि इसका अंडर रूट 25, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 25 का रूट कितना होता है, 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, सॉरी ओके, बराबर आपका क्या निकला है बेटा, 5 निकला आया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको आप कौन सी दे दें, ये आपकी 50, तो इसे आप 6 कर दें। ओके, देन कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए कोई ना, अब हम आगे की तरफ इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। जब इतना हो जाए आपके पास, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है इक्वेशन आपकी 4th एंड 6th वाली। ओके, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन आपकी कौन कौन सी है बेटा, आपकी 4th एंड आपकी 6th। ओके बेटा, सो वी गेट आप सबसे पहले निकालिए बेटा 4x के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, और आपकी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो आप पहले आप इसका क्या करोगे, एडिशन, तो प्लस लगा के आपको क्या करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ओके, इक्वल में बेटा आपका यहाँ पे क्या है, 3, देन प्लस आपका यहाँ पे 5। ओके, बहुत ध्यान से समझिए, यही स्टेप आपको कन्फ्यूजन में डालता रहता है। ओके, तो ये चीज़ आपकी बुक में नहीं दे रखी होगी, ठीक है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, आपका वाई से वाई कैंसिल हो गया बेटा, देन आपका ये क्या बचा, आपका 2x² इक्वल आपका 8, देन आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल आप करोगे इसके, तो ये क्या हो गया आपका, 4 हो गया, 2 से इसमें डिवाइड दे दिया तो 4 हो गया ना। अब आप यहाँ पे x बराबर इसे क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, सिंपल सा, क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर उठा दिया उधर से, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी निकलाई बेटा, आप चाहे तो इसे यहाँ तक भी लिखा रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिखा रहने दें या इसको लिखा रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ भी y के लिए निकाल लीजिए बेटा, फॉर y, ठीक है। तो y आप कैसे निकालते बेटा, यहाँ पे आपकी 6 इक्वेशन क्या है, 6 इक्वेशन के थ्रू निकालोगे। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल में आपका कितना बेटा, 5। ओके, तो आपके पास y की वैल्यू तो है नहीं है, लेकिन x की वैल्यू जरूर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, आपकी 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। देन आपका वाई स्क्वायर इक्वल में आपका 5। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इस 4 को उधर ले जाऊँ मैं, प्लस का है तो माइनस का हो गया बेटा। देन आपका ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही हमें निकालना होता है। तो ये तो हमारा निकला है, अभी यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमने क्या निकाला, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चाहे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, y बराबर 1 भी लिख सकते हो, अगर आगे एक्सपेंड करना चाहे तो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये मेन होता है, ठीक है बेटा, ये वाला मेन होता है, एक्स स्क्वायर बराबर निकले, वाई स्क्वायर बराबर निकले। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुटअप करना है, तो बेटा ये वाई स्क्वायर बराबर कैसा निकला है, तो ये पॉजिटिव निकला है, ठीक है। कैसा है, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी बताते हैं। मैं इसे रफ कर दूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने का, ओके। देन आपको बेटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि आपका आई एम जेड ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है। कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, पॉजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला होगा बेटा यहाँ पे होगा 1/2, ओके, अंडर रूट में पूरा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा जेड यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड एंड प्लस आपका रियल नंबर ऑफ जेड, ओके। देन आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है प्लस, तो मैं इस पूरे को बंद कर देता हूँ, ओके। देन ये पूरा बंद, देन यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ओके। देन अंडर रूट में आपका 1/2
ओके सो मॉडुलस ऑफ जेड देन यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपका ए यानी कि रियल नंबर ऑफ जेड, ओके देन ये भी बन, तो यहाँ पे रियल नंबर ऑफ जेड क्या है आपका, ए है, ओके आपको मैं बता चुका हूँ। तो बस अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू रखनी है आपको और आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वन अपॉन टू, ठीक है, तो जेड की वैल्यू आपकी 5 निकली है बेटा यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जेड देन प्लस रियल नंबर ऑफ जेड यानी कि ए, ए की वैल्यू हमारी 3 निकली थी, देन 3, ओके देन आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, सॉरी बेटा यहाँ पे आई और आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आई लगाना भूल गया, आई, ओके फॉर्मूले में क्या आता है बेटा आपका आई, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ आई, ओके देन आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा आई, ओके देन अंडर रूट 1/2, देन आपको यहाँ पे क्या करना है 5 माइनस के 3, ओके सो आपको आगे फिर सॉल्व आउट करना है इस क्वेश्चन को, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2, ओके 1/2, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 8 हो गया, देन 2 से आपका यहाँ पे 4 हो गया बेटा ये, देन प्लस आई, ओके ये आपका 2 एंड 2, ठीक है, तो 2 एंड 2 यानी कि 1 हो गया, तो आप इसे आगे कैसे लिख सकते हो 2 देन प्लस का आपका आई, इसे यही लिख पाओगे तो ये आपकी वैल्यू निकलाई बेटा, ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट निकलाया, जो हम निकालना चाह रहे थे वो निकलाया, ओके ओके। तो बेटा हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना सीखा, ठीक, जिसमें आपको मैंने वर्किंग रूल बताया और वर्किंग रूल के साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ओके तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।